हाथ की उंगली अंगूठे के नीचे, होठ बंद, दोनों नथुनों से गहरा श्वास। सलीहा का पूजन किया था राजा जनक ने, नहीं सुलभा का। सुलभा इतनी महान हो गई थी कि राजा जनक ने राज में बुलाकर सुलभा का पूजन किया था। ऐसी ऐसी बच्चियां हो गई कि बड़े बड़े राजा उनका पूजन करते थे। आजकल बच्चियों को फैशन की अंधी होड़ करा के अपना पफ पाउडर लाली लिपस्टिक बेचने का षड्यंत्र करके हमारी बच्चियों को बेशर्माई का पाठ पढ़ाने वाले ये बहुराष्ट्र कंपनियों से सावधान रहना चाहिए। लाली में पशु पक्षियों का खून और उनकी आहें और केमिकल, ऐसी लाली लगाकर थोड़े दिन तो कुछ रंग रोगन लगता है, बाद में कुदरती जो अपने स्वास्थ्य के कण है वो भी नष्ट हो जाते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं मुत लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई निहाल, ऐसे परमात्मा की लाल। सौंदर्य प्रतियोगिता के नाम पर बेशर्माई का जो प्रचार विदेशी तत्वों के द्वारा हमारे देश में सीधे अनसीधे हो रहा है, उसके शिकार हमारे बच्चे बच्चियां ना बनेंगे और उनके माता पिता भी सावधान रहेंगे। अगर शादी विवाह है अथवा रूप लावण्य सौंदर्य बढ़ाना हो तो नारंगी के छिलटे छाया में सुखा दिए, उनका घोल बनाकर लगाए और सुबह फटकड़ी के पानी से धो दो, सदा के लिए खूबसूरती आएगी। ये रोज रोज रोगन रोगन लगाकर असली सौंदर्य का भी दिवाला क्यों निकाले। जो लेडियां विदेश में क्रीम लगाती, क्रीम में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां आए हैं, बंदर की चर्बी, अच्छी बिल्ली और बर्दन की, बंदर की आंखें और चर्बी और ऐसी चीजें डालते क्रीम में पाड़ है। वो पान मसाले में कितनी गंदी गंदी चीजें पड़ती है। पान मसाला खाना चाहिए, लाली लिपस्टिक करना चाहिए, सिगरेट पीना चाहिए, दारू पीना चाहिए, क्या करे बाबा चिंता है इसीलिए जरा दारू पीता हूं। नहीं, उसको सुना देना जिंदगी के बोझ को, बोलो हंसकर उठाना चाहिए, राह की कुशवारियों पे, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए, अब एक चरण बच्चियां बोलेगी और एक हिस्सा बच्चे बोलेंगे। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए, जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं,
और तूफानों से टक्कर ले, उसे इंसान कहते हैं।